इधर देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों की सफाई का अभियान तेज हो गया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद इस अभियान से कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुबह सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर के आसपास बिखरा कूड़ा समेटने लगे। अनुराग ठाकुर के साथ चल रहे नेता ने एक थैला पकड़ा हुआ था। अनुराग ठाकुर मंदिर परिसर के कोने कोने से कूड़ा निकाल कर उसमें डालने लगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि सफाई के दौरान अनुराग ठाकुर ने मंदिर परिसर में यहाँ वहाँ बिखरा कूड़ा इकट्ठा किया। डस्टबिन एक तरफ है लेकिन कूड़ा दूसरी तरफ फैला है। मुझे लगता है कि ये सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद अनुराग ठाकुर ने मंदिर परिसर में धुलाई शुरू की। उन्होंने मंदिर परिसर में पानी गिराकर वाइपर से पानी साफ करना शुरू किया। वो पानी खींचते जाते और उनके साथ मौजूद नेता पोछा लगाते। इस बीच वहां गहमा गहमी नजर आई। कुछ लोग अनुराग ठाकुर की मदद के चक्कर में वहीं से आने जाने लगे जहां वो सफाई कर रहे थे। इससे अनुराग ठाकुर नाराज हो गए। सफाई पूरी करने के बाद अनुराग ठाकुर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के अंदर गए और पूजा की। और वो अकेले नेता नहीं है बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री की अपील के बाद राजनाथ सिंह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे और वहां हनुमान की पूजा करने के बाद सफाई की। उन्होंने हनुमान की प्रतिमा के आगे माथा टेकने के बाद आसपास बिखरे फूलों को इकट्ठा किया। उन्होंने कपड़े से प्रतिमा के आसपास की जमीन को साफ किया और फिर फूलों की पंखुड़ियों को टोकरी में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के बाकी हिस्से में झाड़ू लगाया और फिर पोछे से जमीन साफ की। पिछले हफ्ते पीएम ने महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर से जो अभियान शुरू किया था वो 22 जनवरी के नजदीक आते आते तेज हो गया और देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के मंत्री मंदिरों की सफाई में जुट गए। क्योंकि पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 11 दिन पहले अपील की थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद तीर्थ स्थलों को साफ किया जाए और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आने लगी इस अभियान में तेजी आ गई और जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक मंदिरों को शीशे की तरह चमकाया जाने लगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में फर्श पर पोछा लगाया तो बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर की अपने हाथों से सफाई की। नित्यानंद राय ने पहले मंदिर के घंटे को पोछा और फिर पूरे मंदिर में अपने हाथों से पोछा लगाया। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इस अभियान का हिस्सा बने। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने मंदिर में झाड़ू लगाया तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने मुंबई के मुंबा देवी मंदिर को साफ किया। यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले केवल अयोध्या के ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिर चमकने लगे।